जो राज देवे ताकवन वडाई, जापीख मंगाए ता क्या घट जाए। जो राज देवे ताकवन वडाई, जापीख मंगावे ता क्या घट जाई। प्रभु आप मेरे को राजपाट दे दो, तो मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं होगी। तू मेरे हाथ में भीख का कटोरा दे के भिखारी बना दे, तो इसमें मेरी कोई बुराई नहीं होगी। मेरा क्या चला जाएगा? जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। प्रभु अगर आप मुझे सुख देंगे तो भी तेरा सुमिरन करूंगा, अगर आप मुझे दुख देंगे तो भी मैं तेरा ही सुमिरन करूंगा। यह है भक्ति मार्ग। सांख्य मार्ग क्या कहता है? मैंने जो कर्म किया वही मेरे सामने आया, तो मैं किससे नाराजगी रखूं? मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर फिर भी कुछ जीवन में, देखो जीवन है तो प्रतिपल कुछ तो होगा। दिस इज द ड्रामा ऑफ लाइफ। टुडे यू मीट फ्रेंड, टुमारो यू मीट एन एनिमी। यू माइट नॉट थिंक दैट पर्सन एज एनिमी, बट येट यू थिंक सम पीपल दे आर माई फ्रेंड्स। देन वन डे द फ्रेंड्स बिकम योर एनिमी, देन यू क्राई। Why? You have said all your secrets to that friend. Now who is an enemy? Devotee say, Lord, other than you, I don't make anybody as a friend. Everybody can change, you will never change. Sheikh Sadi ne kaha tha, main dost nahi banata hoon. इसलिए क्योंकि दोस्त एक दिन दुश्मन हो जाते। आई डोंट मेक फ्रेंड्स बिकॉज वन डे द फ्रेंड्स विल टर्न इन टू एनिमी, सो आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम ऑल मेसी अफेयर, नो फ्रेंड्स। आपका मन कहेगा अरे हम अकेले कैसे जिए? भक्त कहता मैं अकेला कहां हूं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं अकेला। योग का मार्गी कहता है मेरा गुरु मेरे संग है, मेरा ईश्वर मेरे संग है, मेरी साधना मेरे पास है, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं। कोई मिले नमस्ते, नहीं मिले नमस्ते, दोस्ती करे बहुत अच्छे, नहीं करे बहुत अच्छे। अपने इन क्लेशों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए मनुष्य जो है वो अगर प्रयास करेगा तो धीरे धीरे ये क्लेश कम हो जाते हैं। फिर वापस चलिए पिछले सूत्र पर, कैसे कम होंगे? तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी। तपस्या करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर को हमेशा समर्पित भाव से याद करते रहो। इसके प्रभाव से क्या होगा? समाधि भावनार्थ, इस समाधि की प्राप्ति के लिए ये क्लेश तनु होने लग जाएंगे। अब पहले क्लेश में जो आया था शब्द वो है अविद्या। अब पतंजलि ऐसे तो है नहीं कि बात आधी अधूरी रखें, वो अपनी बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहते। पहले उन्होंने एक ब्रॉडर आउटलाइन दिए, पंच क्लेशों के नाम दिए। अब इस सूत्र में वो एक एक क्लेश को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या कहते हैं?
अनित्या शुचि दुखानात्म सुनित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य को नित्य मानना यह अविद्या। अविद्या क्या है उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं ना। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, जो दुख देने वाली वस्तु है उसको सुखी देने वाली वस्तु माने यह अविद्या। असत को सत माने वो है अविद्या। अनित्य को नित्य माने वो है अविद्या। नित्य शुचि जो अशुचि है अशुद्ध है उसे शुद्ध मानता है क्या है अविद्या। और आत्मा का अज्ञान है तो उसको भी क्या कहते अविद्या। अभी तलक कितनी बात हुई थी, अविद्या माने ना जानना। टू नॉट नो इज अविद्या। बट नाउ पतंजलि इज सेइंग टू बिलीव मॉर्टल एज इमॉर्टल इज अविद्या। टू बिलीव द इम्प्योर एज प्योर इज अविद्या। टू बिलीव द थिंग्स विच विल गिव यू पेन एंड सफरिंग्स थिंकिंग दिस इज गुड इज अविद्या। एंड नॉट नोइंग ट्रू सेल्फ इज अविद्या। शरीर नित्य है कि अनित्य, मॉर्टल और इमॉर्टल बॉडी? श्योर, कन्फर्म और जस्ट सेइंग इट? अगर ये निश्चय हो कि शरीर अनित्य है मॉर्टल है तो शरीर के मर जाने रोगी हो जाने की चिंता होनी चाहिए, पर तुम्हें होती है। यही है अविद्या। कोई कहे अम ब्रह्मास्मी हाँ, पर बैठ के रो रहा हो, हाय मेरी उम्र तो बड़ी कम है। क्यों? एक बंदा मुझे कह रहा था, कह रहे मेरे पिताजी 42 साल में मर गए, मेरे ताऊ 41 में मर गए, मेरे दादा 40 में मर गए, मैं भी बस 40 में आ गए हूँ, साल दो साल ही रह गए। I said, what kind of mathematics is this? And now he is in his 54th year, still alive. Not died. But from last 10 years, more than 20 years actually, he was fearing that he too will die early, the way his father, uncle, grandfather, great-grandfather died. भाई मरना तो तय है, मरेंगे तो सब। जब मरना तय है तो हमें मरने बाद क्या होगा उसकी भी चिंता करनी चाहिए, और मरने के साथ मेरे साथ क्या जाएगा मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए, कि जिंदगी में मैं क्या क्या भोगूंगा इसकी चिंता करनी चाहिए। पर आपकी चिंता किस विषय में है? इस पार की है कि उस पार की है? इस पार की है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, इसकी चिंता है। मृत्यु क्या है ये जानने की चिंता आपको नहीं है। मृत्यु के बाद क्या है ये जानने की चिंता आपको नहीं है। मृत्यु का तो नाम सुनकर ही डर लगता है। बट इजंट इट अ फैक्ट दैट एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई, देन शुडंट यू इन्वेस्टिगेट व्हाट डेथ इज, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू यू? नाउ वेरी अमेजिंग थिंग, इवन इफ अ स्मॉल इंसेक्ट इज इफ चैलेंज्ड रन्स अवे because that insect is fearful of his death. Well, he hasn't died, how come he has fear of death? Billi, kutta, gaye,
बच्चा आदमी औरत किसी को भी आप डराओ डर जाते, किसी को भी आप मार देंगे तेरे को डर जाते। क्यों डर गए? बोले मरने से डर लगता है। भाई तुम अभी मरे नहीं हो तो तुम्हें मरने का क्या पता कि क्या होगा मरने में, तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? आपको कोई बहुत ऊंची हाइट पे ले जाके और ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे जरा सा धक्का दे दे, पकड़ा हो ऐसे पर जरा सा धक्का दे दे, चीखे निकल जाती है। आपको कोई कहे कि रात को यहाँ बगीचे में सांप होते हैं, और होते भी हैं, बारिशों में बहुत निकल आते हैं, तो ध्यान से चलना, तो रस्सी भी पड़ी दिख गई ना तो सांप ही लगेगा। सांप मान लो आपके सामने आ जाए, उसको सामने देखते ही अकल तो हो जाती बंद, और बंदा यहां तो फ्रीज हो जाएगा डर से, और यहां भागने लग जाएगा। क्यों? सांप मुझे मार देगा, मरे तो तुम अभी हो नहीं, फिर मरने का डर क्यों लग रहा है? अब उसका कारण है, इसके पहले कई बार मर चुके हो, मौत का वो एक्सपीरियंस तुमने लिया है, पर हर एक्सपीरियंस तुम्हारे मन के गहरे अचेत तल में पड़ा है, लेकिन उसका भय तुम्हारे सामने बड़ी जल्दी प्रकट हो जाता है। इसलिए भले मरे नहीं हो लेकिन तो भी मरने का डर सबको है। क्यों? इसके पहले बहुत बार मर चुके हैं। मरने की पीड़ा क्या है? सब छूट जाता है, शरीर साथ नहीं देता, जीभ बोल नहीं पाती, आंख खोल के देख नहीं सकता, सुनना बंद हो जाता है। एक बूढ़ा आदमी मरणशैया पर था, सारे घर वाले इकट्ठे हो रखे थे, तो वो बड़ी कोशिश करके सब कहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? बड़ा बेटा कहता हो सकता है कुछ पैसा तिजोरी का पता बताना चाह रहे हो। बोले कान लगा के सुनो क्या कह रहे, क्या कह रहे? तो सुनाई इतना दे बा बा। बोले वाह का मतलब क्या है? घर के बाहर कोई जगह में गाड़ के रखा पैसा, वाह का मतलब क्या हुआ? तो बोले पिताजी थोड़ा साफ बोल दो क्या कह रहे हो। उसे बड़ा जोर लगाया बंदे ने, बोला बकरी सब्जी खा रही है। पीछे मुड़ के देखा घर की सब्जी पड़ी थी, बकरी आके उसको बा बा कर रहा हो। अब ये जो आदमी मरा, मरने का अनुभव लेके ही तो मरा है ना। अब अगला जन्म जब होगा तो ये भय उसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा? Every experience leaves an impression in your subconscious mind, and that impression in Sanskrit is called samskara. All the samskaras remain with you. Bodies happened, bodies died, new births happened, those bodies died, but experiences of all the lives are there in your chitta, in your subconscious mind. तुम देखो छोटे से छोटे कीड़े को ऐसे उंगली रखो उसके रास्ते में, वो भी भागता है। छिपकली छोटी सी, अभी एक बार ऐसा हुआ, वो छोटी छिपकली थी, तो सफाई करने वाले ने झाड़ू उठाया तो वो झाड़ू के साथ ही बैठी होगी, इतने जोर से डरी, डर के मारे वो उसकी पूंछ कट के अलग हो गई और तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए उसने। आज सुबह की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे बगीचे में एक बिल्ली आई, बाहर अंधेरा और कुछ रोशनी से ये हुआ कि मेरे कमरे में जो ग्लास था उस ग्लास में उसको उसकी शक्ल दिखी, डर गई, सारे बाल खड़े हो गए उसके। मेरे समझ नहीं लगी कि अभी आ रही थी अचानक से इसके सारे बाल क्यों खड़े हो गए।
द कैट सॉ हर ओन रिफ्लेक्शन इन द ग्लास एंड गॉट स्केयर्ड ऑफ हर ओन इमेज एंड हर हेयर इज स्टैंडिंग ऑन द रूट्स एंड द टेल इज अप इन द एयर. देन आफ्टर अ वाइल शी स्निफ्ड, देर इज नो बडी. देन हर हेयर केम डाउन, हर टेल केम डाउन. Even a cat has a fear, man has a fear, dog has a fear. वो व्यंग है ना, पत्नी ने जोर से धमकाया पतिदेव को, पति डर गए. पति बाहर निकले, उन्होंने कुत्ते को देख के धमकाया, कुत्ता डर गया. कुत्ते ने बिल्ली को धमकाया, बिल्ली डर गई. बिल्ली अंदर आई, चूहे को देखा, चूहे को धमकाया, चूहा डर गया. चूहे को कॉकरोच दिखा, उसने उसको फूंक मारी, कॉकरोच डर गया. कॉकरोच श्रीमती जी को दिख गया, उसने चीखे मारनी शुरू कर दी. सब डर रहे. किससे डर रहे हैं? मृत्यु से. इस जन्म में भले अभी नहीं देखी है, पर पहले तो देखी है ना. तो किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से, किसी को तंग जगह से, किसी को सांप से, किसी को केंचुए से, किसी को कीड़े से, किसी को भूत से, किसी को प्रेत से, और किसी को अपने आप से. ये सारे भय क्या हैं? अभिनिवेश. वन वर्ड अभिनिवेश एक्सप्लेन्स ऑल काइंड्स ऑफ फियर्स. एंड अभिनिवेश इज इन ऑल चित्ताज इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नेशनैलिटी, कंट्री, रिलीजन, रीजन, वट एवर. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव क्लेशर. If you are a human being, you have fear of death, you have ignorance, you have attachment, you have aversion, right? You have it. So Patanjali's knowledge is for every human being. अगर तुम इन क्लेशों के साथ जीना चाहते हो, शुभ अशुभ कर्म करोगे, हर कर्म का फल होगा, हर कर्म के फल अनुसार जन्म होगा, हर जन्म में फिर नए कर्म करोगे, फिर नए क्लेश बनेंगे. क्लेश कभी उदार हो जाएंगे, कभी डॉर्मेंट हो जाएंगे, फिर उदार हो जाएंगे, फिर प्रसुप्त हो जाएंगे. तनु तो होने नहीं वाले, विच्छिन्न तो होने नहीं वाले, क्योंकि क्लेश तनु किसके होंगे? साधक के. विच्छिन्न किसके होंगे? साधक के. और जो साधना नहीं करता उसके उदार. So what is the path of your salvation? Will somebody give you? No. Who will give you? You. आप इन क्लेशों के साथ जीना चाहते हो, जियो. पर मर मर के जियोगे? जी जी के मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे. साधक क्या कहता है? गुरुदेव बहुत भटक लिए, अब और नहीं.